ये पिक्चर क्लिक कर दी। अब यहाँ पे ये पूरा डेटा जो है ए का डेटा है। अब देख सकते हैं हमारा डिवाइस जो है यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज जो चूज कर लेना है और यहाँ पे फिर से जो है अनलॉक का देख सकते हैं यहाँ पे आप लगा सकते हैं। मतलब जो भी यहाँ पे यूजर होंगे उनके लिए भी ये प्रोसीजर है। मतलब जो अब जैसे आपको पता, मैंने अभी फोटो दिखाया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, देखो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दूसरे अकाउंट में कुछ भी डेटा शो नहीं कर रहा है। अगर आप भी रियलमी का डिवाइस यूज करते हैं और यहाँ पे आप एक ही मोबाइल में दो अकाउंट, मतलब पर्सनली अकाउंट चलाना चाहते हैं, अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में एक ही फोन होता है और यहाँ पे दो से तीन लोगों को उस फोन को यूज करना होता है, और ऐसे में यहाँ पे सभी के अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसे में अगर आप फोन को शेयर करते हैं तो शायद से आपके जो भी डेटा वगैरह होंगे वो भी शेयर होंगे। अब ऐसे में मैं आपको एक फीचर बताने वाला हूँ जिसके थ्रू जो है आप अगर अपने फोन को किसी अदर मेंबर पर भी देंगे तो आपका जो डेटा है वो प्राइवेट ही रहेगा और यहाँ पे उनका भी डेटा प्राइवेट रहेगा। मतलब आप अपना अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, बगल वाला अपना अकाउंट भी यूज कर पाएगा, ठीक है। आप सभी अपना अकाउंट यूज कर पाएंगे। तो काफी अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें जो है आप एक ही फोन में यहाँ पे दो से तीन अकाउंट जो है चला सकते हैं, साथ में अपने अकाउंट की जितनी भी डिटेल है यहाँ पे, यहाँ तक कि कॉल कॉन्टेक्ट से लेकर और यहाँ पे फोटोज गैलरी से लेकर सभी आपकी जो है चीज प्राइवेट होने वाली है, ठीक है। बगल वाले को पता नहीं चलेगा कि आपके जो उसी फोन वही रहेगा बट उसी फोन में जो है उनको पता नहीं चल पाएगी कि आपके पास जो है पर्सनल में क्या क्या डेटा है। तो काफी अच्छा फीचर बताने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके की टेक रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए टेलीग्राम को जरूर से, वहां पे भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हम वहां टेलीग्राम पे भी जो है अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं वो आपको मिलती रहे। अब चलिए बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपके घर में एक ही फोन है और आपको यहाँ पे दो से तीन लोगों को उसी फोन को यूज करना है तो आपको यहाँ पे मान लीजिए प्राइवेट डेटा भाई सभी को रखना होता है, ठीक है। अब ऐसे में अगर आपको यहाँ पे पर्सनल रखना, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास अभी समय करंट समय में आप समझ लीजिए मेरे पास किसी ए का फोन, ए समझ लीजिए, ए या बी समझ लीजिए, ठीक है। पहले पास मेरे पास जो है ए का फोन है, आप देख सकते हैं जैसे मैं ए के फोन में जो है ए के फोन में ये डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे पिक्चर भी क्लिक कर लेता हूँ, ये यहाँ पे ये ए का डेटा है, ठीक है, ये पिक्चर क्लिक कर दी। अब यहाँ पे ये पूरा डेटा जो है ए का डेटा है। अब मान लीजिए अपने फोन अपने बी को दे दिया। अब ऐसे अगर आप फोन अपने फोन को अगर आप बी किसी यूजर को देंगे तो यहाँ पे जो दो है यहाँ पे बी यूजर होगा वो आपका ऐसे पर्सनल मतलब देख सकता है, ठीक है। अब इसके लिए सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप अपने फोन को बी यूजर को देंगे तो उससे पहले का प्रोसीजर आपको करना क्या होगा, देखिए क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक फीचर मिल जाता है आपके डिवाइस में यहाँ पे मल्टी यूजर मोड का, ठीक है, स्विच यूजर का। मतलब इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटर से डायरेक्टली जो है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट या फिर किसी भी यहाँ पे प्राइवेट अकाउंट को करके यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकाउंट को, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑनर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो एक तो होता है मेन, ठीक है, जिसमें आपका मेन जिसके अकाउंट से जो है वो अकाउंट स्विच होंगे और एक होगा यहाँ पे, ठीक है, बाकी जितने के अकाउंट के जो बनेंगे वो होगा, ठीक है। फिलहाल से हमारा मेन अकाउंट रन कर रहा है। अब मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर बी को आपका मोबाइल चाहिए तो आप यहाँ पे जो एड गेस्ट पे जो क्लिक कर सकते हैं, देखिए यहाँ से क्रिएट हो रहा है एड गेस्ट पे जो है क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड गेस्ट जैसे ही आप करेंगे तो आपका अकाउंट जो है गेस्ट में जो है क्रिएट हो जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए अब आप अपना फोन जो है बी मेंबर को देने वाले हैं तो बी मेंबर को देने से पहले आप अपने फोन को जो है स्विच कर सकते हैं। अब मान चलिए आपका फोन जो है बी मेंबर के पास आ चुका है, ठीक है, आप ये पूरा यहाँ पे जो एक्टिवेट अकाउंट ये एम मेंबर का नहीं है, ये पूरा बी मेंबर का है। तो यहाँ पे अब आप जो अगर यहाँ पे जो ए मेंबर वाला होगा उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि उसका डेटा बिल्कुल सेफ रहेगा क्योंकि उसके डेटा यहाँ पे कोई भी चीज होने वाला नहीं है। अब जैसे आपको पता, मैंने अभी फोटो दिखाया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, देखो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दूसरे अकाउंट में कुछ भी डेटा शो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं अभी दूसरे अकाउंट मैंने आपको दिखाया कोई भी डेटा शो नहीं कर रहा। अगर हम कॉन्टेक्ट में जाते हैं, कॉल रिसीविंग में जाते हैं, कोई डेटा शो नहीं कर रहा, बिल्कुल हमको नया दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान चलिए जैसे ये मान लीजिए हम एक और फोटो क्लिक कर लेते हैं, अभी मैंने एक फोटो क्लिक की थी बट यहाँ पे फिर से कैमरा जो है फिर से टर्न ऑन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई फोटो अवेलेबल नहीं है, मतलब ये बिल्कुल एज इट इज नया फोन जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये नया फोन एकदम जो है बना हुआ है। अब चलिए बैक चले आते हैं, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए बैक आए, ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल एज इट इज एकदम नया फोन बन गया। अब मान लीजिए यहाँ से आपको किसी और को मतलब स्विच करना है अकाउंट, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको जाना है
और यहाँ पे जो रिमूव भी कर सकते हो, यहाँ पे आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाता है ऊपर ऑनर का, ठीक है, मतलब मेन ऑनर तो है ही। अब जैसे अगर आप सोचेंगे, आप मान चलिए आपने गेस्ट को दिया हुआ है, और गेस्ट आपका गेस्ट जो भी होगा, मतलब आपने मान लीजिए गेस्ट को बी मैंने बताया, जैसे कि अब आप बी यहाँ पे यूजर को समझ लीजिए, बी यूजर किसी भी कारण से जैसे आप कहीं चले जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम चलो यहाँ पे ऑनर के अकाउंट के एडमिनिस्ट्रेटर को जो है यहाँ पे क्लिक करके ऑन करके देखें कि इनके डिवाइस में है क्या, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे बी यूजर ने ए यूजर के लिए मैंने यहाँ पे जैसे ऑप्शन खोला, ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे आ गया है हमारा पासवर्ड। तो मतलब आपको पता है कि जब तक ये सिक्योरिटी यहाँ से डिसेबल नहीं होगी, तब तक हमारा डिवाइस जो है अनलॉक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे काफी अच्छे फीचर मिल जाता है, जो कि आप अपने डिवाइस का जो है यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल से जो है मैंने इसमें फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है, तो चलिए इसको टर्न ऑन कर लेते हैं। तो हमने इसको टर्न ऑन कर लिया, तो काफी अच्छे ये फीचर मिल जाता है। अब देखिए ये मल्टी यूजर जो मोड का फीचर है, ठीक है, कई सारे यूजर्स को अभी तक नहीं मिला है, तो यहां से आप ऐड कर सकते हैं जितने यहां पे गेस्ट को ऐड करना है। मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, गेस्ट, ठीक है, गेस्ट बी लिख देता हूं, और यहाँ पे आप फोटो वगैरह भी जो है क्लिक लगा सकते हैं, और आपको जैसा ठीक लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बी पे जो है सिंपली क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे गेट स्टार्ट पे जो है क्लिक कर सकते हैं। अब हमने गेस्ट बी जो है क्लिक कर लिया है, अब स्विच हो रहा है हमारा जो डिवाइस है ऑनर से, मतलब प्राइमरी ऑनर से हो रहा है, गेस्ट बी में जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। अब देख सकते हैं हमारा डिवाइस जो है यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे जो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज जो चूज कर लेना है। चलिए हम यहाँ से लैंग्वेज को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से एग्री पे क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फिर से नेक्स्ट कर लेते हैं। तो एक मोबाइल में ही आप देखिए, एक ही मोबाइल में आप दो दो अकाउंट स्विच करके जो है नया बिल्कुल, आप जैसे आप स्टार्टिंग में आपको पता होगा, आप जिसे डिवाइस परचेस करते हैं उसके बाद जो आपको सेटअप करना पड़ता है, वही सेम सेटअप आपको इसमें करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे एक्सेप्ट का भी ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे फिर से जो है अनलॉक का देख सकते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। मतलब जो भी यहाँ पे यूजर होंगे उनके लिए भी ये प्रोसीजर है, मतलब जो सेम ए यूजर के लिए होते वही होता है। तो चलिए हम यहाँ से कोई भी पासवर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने मान लीजिए पासवर्ड लिख लिया है, फिंगरप्रिंट चलिए यहाँ पे भी हम लगा ही लेते हैं। तो चलिए इसमें भी हम फिंगरप्रिंट यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका फिंगरप्रिंट का प्रोसीजर जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं इसको हमने ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सेटअप है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दो अकाउंट आप इसमें एक साथ जो है यूज कर सकते हैं एक ही टाइम में। तो यहाँ पे आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जब वो वाला सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको दो अकाउंट जो है शो करने लग जाएंगे। ऑनर का अकाउंट शो करने लग जाएगा और गेस्ट बी का अकाउंट शो करने लग जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ऑनर हमारा कोई भी मान लीजिए ए है और गेस्ट मान लीजिए बी है, तो आप यहाँ पे गेस्ट बी में भी जो है वही सेम प्रोसीजर जो है फॉलो कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा इंटरफेस है जो कि आपको देखने को मिल जाता है अपने डिवाइस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो है आप मल्टी यूजर मोड को यूज कर सकते हैं अपने डिवाइस में, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी आपके सामने जो सेटअप किया था, और मैंने आपके सामने जो पासवर्ड यहाँ पे डाला हुआ था देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नया पासवर्ड हो गया, यहाँ से आप पूरा ये जो प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है ये फीचर, ठीक है। और ये जो मल्टी यूजर फीचर है अभी कई सारी डिवाइस को नहीं मिला है, तो जिन जिन डिवाइस को नहीं मिला है उनको थोड़ा सा वेट कर लेना है, डेफिनेटली जो है आने वाले समय के अंदर जो है अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब वापस से हम प्राइमरी अकाउंट पे आ चुके हैं, स्विच कर चुके हैं, देख सकते हैं वही फोटोज आपको देखने को मिल जाती है। आप ए अकाउंट बी अकाउंट जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे मेथड मिल जाता है आपको देखने को, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है इस वीडियो के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।